अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अक्सर औक़ात हमें लोग अननोन नंबर से मैसेजेस या कॉल करके तंग करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप किसी भी अननोन नंबर का जो है वो डाटा हासिल कर सकते हैं। इस डाटा में उस शख्स का नाम और जिसके नाम ये सिम रजिस्टर होगी उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो के नीचे आने वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और उसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौजूद हो सके। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस ट्रिक के लिए आपको एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी, वो कोई भी VPN हो सकता है। जो VPN मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये VPN डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये VPN ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं इस VPN को किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट कर लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा VPN जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी वेब ब्राउज़र में जाऊँगा। मेरे पास इस वक्त गूगल क्रोम मौजूद है। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे सर्च में मैं लिखूँगा सिम डेटाबेस ऑनलाइन .com। इस वेबसाइट को मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक मेरे पास ब्लैंक पेज शो होगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है सर्च न्यू नंबर की। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट में जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सर्च की ऑप्शन आ रही है। सर्च में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने नंबर या किसी का CNIC जो है वो एंटर करना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप कोई नंबर एंटर करेंगे तो आपने नंबर से पहले ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम नंबर जो है वो टाइप करूँगा। तो ये नंबर मैंने जो है एंटर किया है, कोई भी रैंडम नंबर। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस नंबर की सारी डिटेल जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। उसका नेम, उसका एड्रेस और दूसरा एड्रेस भी, सिटी, उसके अलावा जो उसका फ़ोन नंबर है, CNIC नंबर, अगर उसके नाम पे कोई और भी सिम है तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। एक दफ़ा हम फिर ट्राई करते हैं कि क्या ये किसी और नंबर के लिए भी वर्क करता है या नहीं। बैक जाने के बाद यहाँ पे सर्च पे दोबारा कोई और नंबर एंटर करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये नंबर एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिटेल्स भी मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।